namaste. Namaste. हमलोग हमारा कभी हमलोग आपको पानी के बारे में चीज बताते हैं, ठीक है? मेरा नाम तो है राबोली और दीदी का नाम है पीशा और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। हम लोग सेव वाटर के बारे में एक चीज बताना चाहते हैं। मैं बोलूँ आपको? नहीं, मैं आपको ताज महल और वहाँ देखिए इतने सारे चीजें देख सकते हैं आप। यहाँ है प्लास्टिक, वो चला जा रहा है, अभी धीरे धीरे बीच में जाएगा, वो एकदम पानी के बीच में जाएगा। आप देख सकते हैं कितना फ्रेश पानी है, उस ये उसे गंदा कर देगा अगर ये बीच में गया तो। देखो डस्ट के बारे में सोचो, अगर वो पानी में जिंदा होता है, डस्ट तो पानी के जिंदा होता है। बोलने वाली है दीदी और फिर भी लोग नमस्कार, मैं हूँ टीचर और मैं आपको ये बोलने वाली हूँ, ग्रीन महल के ग्रीन महल का जो पानी है वो गंदा होता है, तो मैंने भी बोला। तो मैं और कुछ जानकारी देना चाहती हूँ, आप प्लास्टिक मत फेंकिएगा, बहुत अच्छा होगा अगर आप मेरी बातें सुने। तो आप देख लीजिए बीच का कितना फ्रेश और नीचे का आप नीचे का कितना गंदा है और बीच का बहुत फ्रेश है, क्योंकि बीच में है ना कोई भी पानी बीच में कोई भी नहीं जा सकता और गंदगी नहीं फैला सकता। बट क्यों क्यों आप साइड में ही फेंकते हैं? साइड का ही तो मेन है ना, साइड में ही तो लोग देखने आएंगे, तो ना बीच में ऐसे देखेंगे। आप प्लीज गंदा मत कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और मेरी बहन के वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई चैनल चाहिए हो तो आप देख सकते हैं कि पानी को फ्रेश रखना चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद, शुभकामनाएं आप लोग।